हेलो एवरीवन वेलकम टू शिवीज क्लासेस और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास वन के बच्चों के लिए ईवीएस वी एनुअल एग्ज़ामिनेशन पेपर एक्चुअली ये पेपर मेरे स्कूल का है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ मैंने सोचा ये पेपर आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा सकें तो पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे कि, कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको सेवन क्वेश्चंस दिख रहे हैं सेवन मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चन में आपको थ्री ऑप्शंस दिख रहा है बच्चों को इन थ्री ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को टिक करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन यहाँ पर थ्री ऑप्शन दिए हैं नेक्स्ट बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इन तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे नेक्स्ट विच इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द शेप ऑफ आवर अर्थ इज़ इन विच फेस्टिवल डू वी ईट केक विच ऑफ़ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स हेल्प बॉक्स में यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके ये फिलअप करने हैं फाइव मार्क्स में ये क्वेश्चन है ऑक्टोपस हैज़ डैश लेग्स डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट माउंटेन्स आर मोस्टली कवर्ड विथ डैश आवर ग्रीन फ्रेंड्स आर डैश मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डैश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ये भी फाइव मार्क्स में है फाइव क्वेश्चन इसमें मिलेंगे फर्स्ट इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स तो यहाँ पर डैश में बच्चों को फेस्टिवल ऑफ लाइट लिखना है नेक्स्ट आई गिव प्रिंटेड न्यूज़ यू कैन लिसन न्यूज थ्रू मी लार्जेस्ट वाटर बॉडी फेस्टिवल ऑफ कलर्स नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स सिक्स मार्क्स में प्लांट्स डू नॉट नीड वॉटर एंड फोर्थ प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स काउ गिव्स अस एग्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट रोज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज मैचिंग इस ये भी फाइव मार्क्स में है एक साइड है बशी लाइन होली बिग एंड टॉल प्लांट्स एरोप्लेन किंग ऑफ जंगल शर्ब्स ट्रीज एयर ट्रांसपोर्ट फेस्टिवल ऑफ कलर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग यहाँ पे टू हर्ब्स टू क्रीपर एंड टू क्लाइंबर्स के नेम लिखने हैं नेक्स्ट फाइंड द बिलो फाइंड बिलो द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स राइड द नेम ऑफ देयर होम्स यहाँ पे एनिमल्स के नेम है और हेल्प बॉक्स में उनके होम्स के नेम है तो करेक्ट वर्ड्स को करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में करना है लाइक डॉग्स लिवस इन अ डैश फिश लिवस इन अ डैश पिजन लिव्स इन अ डैश हॉर्स लिव्स इन अ डैश एंड काऊ लिव्स इन अ डैश नेक्स्ट फाइंड बिलो द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स राइट द नेम ऑफ द कैटेगरी दे बिलोंग यूज द हेल्प बॉक्स यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और कुछ एनिमल्स की पिक्चर और बताना है कि ये किस कैटेगरी के हैं वाइल्ड एनिमल है पेट एनिमल है डोमेस्टिक एनिमल है, है या बर्ड्स हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ सम फेमस फेस्टिवल्स यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं करेक्ट फेस्टिवल्स के नीचे उनके नेम्स लिखने हैं और लास्ट में है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वैली नेक्स्ट व्हाट आर द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हाट इज अ फेस्टिवल विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू स्ट्रेथन द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर एंड वाई डू वी नीड अ हाउस तो अब सॉल्व कर लेते हैं ये पूरे क्वेश्चन पेपर को तो स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज means of transport can be divided into three types which is the latest means of communication smartphone the shape of our earth is round in which festival do we eat cake christmas which of the following animal can live both on land and in water so this is crocodile next filling the blanks help box are given octopus has eight legs dash is called the ship of desert camel is called the ship of desert mountains are mostly covered with snow our green friends are plants many festivals are celebrated in india next give one word for the following festival of lights festival of lights is diwali Next, I give printed news, newspaper. You can listen news through me, television or TV. Largest water body, Blue Whale, festival of colours, Holi. Next, true false. Plants don't need water and food. फॉल्स प्लांट्स को वाटर और फूड की जरूरत होती है तो दिस इज फॉल्स प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स येस ट्रू प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स काउ गिव्स अस एग्स फॉल्स काउ गिव्स अस मिल्क मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स येस इज ट्रू कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फॉल्स रोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स फॉल्स रोज इज शर्ब्स रोज इज क्वेश्चन नंबर फाइव मैच द फॉलोइंग बुशी शर्ब्स ऐसे भी मैच करा सकते हैं लायन किंग ऑफ जंगल होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स बिग एंड टॉल प्लांट्स ट्रीज एंड एरोप्लेन इज अ एयर ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव टू एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग टू हर्ब्स के नेम लिखने हैं तो फर्स्ट इज मिंट एंड नेक्स्ट इज ंडर क्रीपर क्रीपर मीन्स जो ज़मीन पे होते हैं दैट इज पम्पकिन वाटरमेलन क्लाइंबर क्लाइंबर में पीज एंड ग्रेप्स नेक्स्ट डॉग्स लिव्स इन अ डॉग लिव्स इन अ Canals. Fish lives in a water, pigeon lives in a coop, horse lives in a stable, and cows lives in a shed. Yes. Next again, pictures are given. First picture is given sheep. So sheep is a डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक एनिमल वो जो हमारे काम आते हैं जिनसे हमें कुछ मिलता है एलिफेंट इज़ अ वाइल्ड एनिमल नेक्स्ट काउ अगेन इट इज़ ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल दीज आर बर्ड्स this is also domestic and dog is a pet animal now next question first picture yahapikonsa festival hai? this is holy they are playing with color so this is called holy and flag hosting means this is independence day next festival guru parv this is eid and this is christmas now let's solve the question answer what is a valley the low Line Land Between Two Hills or Mountains is called Valley. पहले यहाँ पे राइट कर लीजिएगा ले एल ए वाई आई एन जी नेक्स्ट वॉट आर द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एयर ट्रांसपोर्ट वाटर Transport and Land Transport. Next, what is a festival? Festival is a special day of celebration. Next, which festivals are celebrated to strengthen the bond of love between brother and sister? It's Raksha Bandhan, Raksha Bandhan, and Bhai Dooj. And last, why do we need a house? We Need a house to protect ourselves from heat, cold, rain, wind. वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा है ये टोटल फिफ्टी फाइव मार्क्स का है फाइव मार्क्स यहाँ प्रोजेक्ट का आपको देख रहा होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स को एडजस्ट कर सकते हैं चैप्टर्स मोस्टली स्कूल्स में सेम ही होते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन पेपर के साथ तब तक के लिए बाय बाय